हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इस वाले सेशन में हम लोग स्फेरिकल वेसल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस और इंटरनल स्ट्रेसेस एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसेस को पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, शेयर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप लोग मार्क्स लेकर आ ही जाएंगे, ठीक है। पर इससे पहले एक चीज, इन स्ट्रेसेस को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए थे, सिग्मा इज इक्वल टू पी आर बाई टू टी, ये फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए। स्फेरिकल वेसल में, स्फेरिकल प्रेशर वेसल में जो स्ट्रेसेस है वो पी आर बाई टू टी के बराबर ही आते हैं, ठीक है। ये जो पी आर बाई टू टी है, ये जो स्ट्रेसेस है आपके, वो जो वेसल है, ये जो वेसल है इसके अंदर नहीं है। इस वेसल के जो मटेरियल है, मटेरियल जो है बाहर से ऐसे, मटेरियल के टेंजेंशियल ये स्ट्रेसेस हैं, मटेरियल के टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हैं। और दो तरीके से आप टेंजेंट डाल सकते हो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये एक्स हो गई, ये वाई होगी, और एक और डायरेक्शन होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, जो इसके परपेंडिकुलर होगी यानी अंदर को होगी, उसको हम जेड बोलेंगे, ओके। तो ये जो आप स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो सिग्मा इज इक्वल टू पी आर बाई टू टी है, दोज स्ट्रेसेस आर टेंजेंशियल टू दी सरफेस, टेंजेंशियल टू दी सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस को इस तरीके से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आपका प्रेशर वेसल होता है, उसका जो फेलियर होता है, वो वैसे शियर में भी हो सकता है, टेंशन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड, डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रेसेस इंड्यूस एज वेल एज दी मटेरियल यूज इन मेकिंग दी प्रेशर वेसल, ओके। तो ये आपके, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रेसेस की, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रेसेस अगर आप देखोगे, इस वाली सरफेस के ऊपर अगर आप स्ट्रेसेस देखोगे, सरफेस पे स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे, जहां गैस होगी वहां स्ट्रेसेस तो हो ही नहीं सकते। हम मटेरियल के स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस बाहरी वाली सरफेस की बात करोगे, तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, इसके लिए अगर इस एलिमेंट के लिए हम डायरेक्शंस प्लॉट करें, तो एक्स डायरेक्शन ये है, ये वाई होगी, ये जेड होगी। तो अगर आप बाहर की सरफेस की बात करोगे, तो आपको यहां पर स्ट्रेसेस दिख रहे हैं सिग्मा और सिग्मा, ठीक है। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा वाई भी सिग्मा के बराबर होगा। और जेड डायरेक्शन में क्या आपको सरफेस पे कोई स्ट्रेसेस दिख रहे हैं? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो अंदर से प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेसेस है वो एक्सटर्नल सरफेस पे अगर आप देखोगे, तो दो ही डायरेक्शन में स्ट्रेसेस है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं होंगे। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा। अगर अब मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालो, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला भी आप यूज करके प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हो, लेकिन जिस केस में टाउ की एब्सेंस होती है, टाउ एब्सेंट होता है उस केस में, टाउ एक्स वाई एब्सेंट होता है इस केस में, जो सिग्मा एक्स होता है वही प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, सिग्मा वाई भी प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। यानी जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं आउटर सरफेस पे, दे ऑल आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो सिग्मा पी वन इज इक्वल टू सिग्मा पी टू इज इक्वल टू पी आर बाय टू टी। बहुत अच्छे से समझना इसको, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये अभी हम इन प्लेन स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। इन प्लेन स्ट्रेस, इन प्लेन स्ट्रेस और एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस की का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर आप, मैं आपको फाइंड आउट करने के लिए कहूं, तो किस तरीके से हम मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करते थे? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री बाई टू,
3 माइनस सिग्मा 1 बाय 2, ठीक है। तो जिस केस में सिग्मा 3, इस केस में सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0 है, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0 है, तो जो टाउ मैक्स की वैल्यू आने वाली है, टाउ मैक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आएगी आपकी या तो सिग्मा 2 बाई 2 या सिग्मा 1 बाई 2, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। तो ये सिग्मा 2 बाई 2 जब आप रखोगे तो ये पी आर बाय 4 टी के बराबर आ जाएगा। तो जो टाउ मैक्स की वैल्यू है, जो टाउ मैक्स की वैल्यू है वो पी आर बाय 4 टी के बराबर आएगा। तो हमने इस जो अभी हमने जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया है, टाउ मैक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करी है उसमें हमने एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेसेस को कंसिडर किया है, तीनों एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस को कंसिडर किया है, तीनों डायरेक्शन में लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस की मदद से हमने टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी है। आप वो कॉन्सेप्ट देख लेना जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिसको एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस और इन प्लेन शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप एक बार जाके देखेंगे तो ये चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो रही बात इसकी एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस की। अब हम इंटरनल स्ट्रेसेस की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रेसेस की अगर आप बात करें तो अंदर वाली जो सरफेस है, अंदर वाली जो सरफेस है उस पे अगर देखोगे, इनसाइड वाली जो सरफेस है, अंदर वाली जो सरफेस है उस पर जो स्ट्रेसेस है आप देखो, तो सिग्मा एक्स भी प्रेजेंट होगा, सिग्मा वाई भी प्रेजेंट होगा, सिग्मा एक्स भी प्रेजेंट होगा, सिग्मा वाई भी प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ ये भाई साहब जो ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं ना, ये जो प्रेशर लग रहा है इसकी वजह से भी तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो प्रेशर वेसल है, ये वेसल है हमारी, इस पे जो प्रेशर लग रहा है कुछ इस तरीके से लग रहा है, कुछ इस तरीके से लग रहा है, सिग्मा एक्स इधर है, सिग्मा वाई इधर है, सिग्मा जेड ऐसे लग रहा है। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है वो तो टेंसाइल नेचर में है, लेकिन ये जो ऐसे लगेगा प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा एक एलिमेंट पे, अगर आप देखोगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस में आप देखोगे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, वो और वो पी आर बाई टू टे के बराबर है। लेकिन सिग्मा जेड कैसा होगा, माइनस पी के बराबर, ठीक है, सिग्मा जेड होगा माइनस पी के बराबर। जो प्रेशर होगा, प्रेशर प्रेशर भी पर यूनिट के लिए डिफाइंड, पर यूनिट एरिया के लिए डिफाइंड होता है, स्ट्रेस भी पर यूनिट एरिया के लिए डिफाइंड होता है, तो हम सिग्मा जेड को माइनस पी के बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो ये तीन तरीके के स्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे इंटरनल वाली सरफेस पर। एक्सटर्नल सरफेस की बात करेगा तो वहां पर दो स्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, बट इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल सरफेस देर आर थ्री स्ट्रेसेस एंड द थर्ड स्ट्रेसेस ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है, एंड दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब यहां पर अगर आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने की बात करो, टाउ मैक्स की बात करो, अगर आप टाउ मैक्स के लिए यू विल अगेन राइट टाउ मैक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाय 2, और इनकी आप एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। वी आर ओनली शेयर स्ट्रेस के केस में, हम वी आर ओनली कंसर्न फॉर दी वैल्यूज ऑफ वैल्यू कंसर्न अबाउट दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी शेयर स्ट्रेस। तो अगर आप यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लिखोगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 तो ये तो 0 के बराबर आने वाला है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 ये आएगा आपका पी आर बाय 2 टी प्लस पी बाय, ऐसे लिखोगे पी आर बाई 4 टी प्लस पी बाई 2, और यहां पर अगर आप फिर से लिखना चाहो तो ये भी यही आने वाला है, माइनस का माइनस माइनस बाहर चले जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ये आएगा आपका पी आर बाय, ये इस तरीके से आएगा पी बाय, पी बाय 2 प्लस पी आर बाय 4 टी, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो ये रही, चाहे ये हो चाहे दोनों सेम है, ठीक है। और अगर वो आप
आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहो टाउ मैक्स की वैल्यू को, तो ये पी आर बाई 4 टी, इसकी जगह आप लिख सकते हो पी बाई 2, आप कॉमन ले सकते हो, यहां पर बचा आर बाई 2 टी प्लस 1। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था आर बाई टी का जो रेशियो है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, वो 10 से ज्यादा होना चाहिए तभी आपकी जो प्रेशर वेसल है वो थिन कहलाएगी। तो आर बाई 2 टी के कंपैरिजन में जो 1 है वो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और टाउ मैक्स की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको आप लिख सकते हो पी बाय पी आर बाय 4 टी के बराबर ही लिखा जा सकता है, आपकी एक्यूरेसी इसमें ज्यादा लूज नहीं होगी। ठीक है, तो आप टाउ मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो पी आर बाय 4 टी के बराबर इंटरनल के लिए भी लिख सकते हो। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सॉरी हाँ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम अगर वो पूछे आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो आप टाउ मैक्स की जो वैल्यू होगी वो पी आर बाई 4 टी के बराबर होगी, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा टाउ की वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ये 0 के बराबर ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम अगले सेशन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स को पढ़ेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू एंड टेक केयर।